जो धर्म पे मर मिटा बस वही महान है। कारगिल का हर जवान, कारगिल का हर जवान देवता समान है। धन्य हुई वह माटी भी, धन्य हुई वह माटी भी जिस पर तूने जन्म लिया। शीश नवाए उस माता को, शीश नवाए उस माता को जिसने तुझे जन्म दिया। सीने पर गोली खा, सीने पर गोली खा, हंसते हंसते मरने वाले तुझे प्रणाम। कारगिल में लड़ने वाले, कारगिल में लड़ने वाले तुझे प्रणाम। कृतज्ञ राष्ट्र का, कृतज्ञ राष्ट्र का तुझे प्रणाम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन शहीदों को तथा उनके माता पिताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, प्रधान अध्यापिका जी, आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, इस 58वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में मैं हरिता आज आप सबके सामने दो शब्द बोलने जा रही हूँ। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। हर साल इसी दिन यह उत्सव धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। सन 1950 26 जनवरी के दिन भारत के संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बन गया। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम सब भारतीय हैं मित्रों, हम भारत के भावी नागरिक हैं। आगे चल के हमें इस देश को नए ढंग से निर्माण करना है। दोस्तों, आइए हम अपने आप से प्रश्न पूछें, भारत माता ने हमें दिया क्या है और प्रतिदान में हमने किया क्या है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत माता ने हमें अन्न, वस्त्र, निवास आदि सब कुछ दिया है, हमारी जरूरतों को पूरे करते आ रही है। प्यारे दोस्तों, हम सब नन्हे मुन्हे राही हैं, इस देश के सिपाही हैं। चलो इस पुण्य दिवस पर हम प्रण ले, कदम से कदम मिलाकर इस देश को धन मान से भर दे। भारत से सब कुछ लेने के बाद यह ना हो कि हम दूसरे देशों में जाकर बस जाए, बल्कि दूसरे देशों से अच्छी अच्छी बातें सीखकर उनका उपयोग हमारे देश में करें। भारत देश को विश्व के मानचित्र में एक मुख्य स्थान दे। दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिली स्वतंत्रता को हम बचाए रखें। गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी जैसे महान पुरुषों के सपनों को हम साकार करें। आओ कुछ कर दिखाएं, इस तिरंगे झंडे को सदा ऊंचा रखने का प्रयास जारी रखें। भारत की उर्वर संस्कृति एवं बीती हुई ख्याति को पुनर्निर्माण करें। हम यह याद रखें कि तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान, हम कण कण पर छा जाएंगे बनकर भारत का स्वाभिमान। जय हिंद।